कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, अपने पुराने गढ़ को बीजेपी से कैसे छीनेंगे अखिलेश, कन्नौज से चुनाव लड़ने की ऐसी क्या है वजह। नमस्कार, पंजाब केसरी डॉट कॉम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराय। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन किया। उनके नॉमिनेशन से पहले ही उनके द्वारा फॉर्म C7 के तहत अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी सार्वजनिक की गई है। इस शपथ पत्र में एक लाइन ये भी लिखी है कि अखिलेश यादव अन्य आवेदकों से बेटर है। इतना ही नहीं, इसमें उन पर दर्ज क्रिमिनल केस की भी जानकारी दी गई है। अखिलेश यादव पर अलग अलग अदालतों में 3 केस दर्ज है, जिनमें कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला भी है। गौरतलब है कि 15 साल बाद एक बार फिर अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पहली बार कन्नौज सीट से 2002 में जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2004 और 2009 में वे इस सीट से जीत कर संसद पहुंचे। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी डिंपल यादव सांसद बनी। हालांकि 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराकर ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट पर पहले सपा की तरफ से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के फीडबैक और तेज प्रताप की संभावित हार को देखते हुए अखिलेश ने खुद मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया। अब उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से होगा। अखिलेश यादव के मैदान में उतरने से सपा कार्यकर्ताओं में अलग ही तरह का जोश देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के नॉमिनेशन के लिए पूरे यादव परिवार के साथ ही सपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। खास बात तो यह है कि कन्नौज की खोई हुई सीट को दोबारा हासिल करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आखिरकार खुद ही मैदान में उतरना पड़ा। इंडिया खेमे को भरोसा है कि पहले चरण में उसके हिस्से में 3 से 4 सीटें आएगी। अगले चरणों में इसे बनाए रखने और उत्साह कायम रखने के लिए भी अखिलेश यादव ने मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया है। वहीं स्थानीय संगठन ने अखिलेश यादव से मिलकर स्पष्ट कर दिया था कि तेज प्रताप यादव के लड़ने पर उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा जितना अखिलेश यादव को बतौर प्रत्याशी के रूप में मिल सकता है। दरअसल कन्नौज सीट पर मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को सोमवार को ही उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि पहले से ही सपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अखिलेश यादव को ही कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए। बता दें कि कन्नौज में उठापटक तो सोमवार को तेज प्रताप के नाम के ऐलान के साथ ही हो गई थी। तेज प्रताप की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से ही सपा के स्थानीय कार्यकर्ता इस फैसले का विरोध भी कर रहे थे। कन्नौज के सपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव से मिला और पूरी स्थिति से अवगत कराया। साथ ही ये भी बताया कि स्थानीय स्तर पर सपा के कार्यकर्ता तेज प्रताप की उम्मीदवारी से नाखुश है और उनका कहना है कि तेज प्रताप को वहां के लोग जानते तक नहीं है। स्थानीय नेता किसी भी हालत में पार्टी की स्थिति को कन्नौज में कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। अगर अखिलेश खुद नहीं उतरे तो पार्टी से लोग निराश हो जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कन्नौज सीट पर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। अगर पिछले चुनावों पर नजर डालें तो अखिलेश यादव 2004 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे। वे 2004 और 2009 में भी इसी सीट से सांसद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल यादव ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में वह भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई। हालांकि देखना यह होगा कि अखिलेश यादव अपने पुराने गढ़ को बीजेपी से कैसे छीनेंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।